और अब बात करेंगे यूनिवर्सिटी में धर्म का खेल। सोहना गुरुग्राम मार्ग पर जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी उस समय अचानक जय श्री राम के नारों से गूंजने लगी जिस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को यह जानकारी लगी कि यूनिवर्सिटी के एक डीसी की ओर से मुस्लिम समुदाय के छात्रों के लिए नमाज पढ़ने के लिए रूम अलॉट कर दिया गया है। वैसे ही छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और छात्र नमाज के लिए अलॉट किए गए रूम का विरोध करते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए डीसी के कार्यालय में पहुंच गए। छात्रों के विरोध जताने की खबर यूनिवर्सिटी में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद नारेबाजी करने वाले छात्रों को शांत कराया गया और आनंद फानन में मामले को शांत कराया गया। हालांकि मामले की जानकारी पाकर थाने के प्रभारी और गुप्तचर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक मामला काफी शांत हो चुका था। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से छात्रों की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है, जिस कारण पुलिस ने इस मामले में किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। तो गुरुग्राम का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में जय श्री राम के नारे लगे। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक यूनिवर्सिटी में धर्म का खेल चल रहा है, जहां एक धर्म के जो समुदाय के लोग हैं उनको रूम अलॉट किया जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए, तो वहीं इसका विरोध जताने के लिए अब छात्र जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जागृति, देखिए ये 3-4 दिन पहले की घटना है और सोहना में जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी है वहां का यह पूरा मामला है और आरोप यह है कि छात्रों ने मांग किया नमाज पढ़ने के लिए, जिसके बाद प्रशासन ने जीडी गोयनका प्रशासन ने उन्हें कमरा अलॉट कर दिया और वहां नमाज पढ़ने की उन्हें हामी भर दी। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी बाकी छात्रों की लगी तो सभी छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया, वाइस चांसलर के पास भी पहुंचे। हालांकि विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस को भी बुलाया गया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले इस पूरे मामले को सुलझा लिया गया था प्रबंधन के द्वारा, लेकिन यह बात सामने मीडिया में आई है, लोगों के बीच आई है, जिसके बाद इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद को लगी और विश्व हिंदू परिषद की टीम ने कल विजिट भी किया, वहां पे विजिट कर प्रबंधन से मुलाकात भी की और आगे की कार्रवाई में जुटी। हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद के जिला के मंत्री हैं यशवंत शेखावत, वो भी मौजूद हैं और इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कल मामला था और किस तरह से आप लोगों को जानकारी मिली। हमें पता लगा कि जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के अंदर वहां पे नमाज के लिए रूम देने की बात आई सामने और वहां पे नमाज अदा करने की इस तरह की सिंहसन स्थान के ऊपर नमाज करने के लिए तैयारी की गई थी और करवाई भी गई, ऐसी सूचना मिली और कहा वहां हिंदू युवाओं ने वहां पर जोर जोर विरोध भी किया और उसी सिलसिले में हम कल संगठन की दृष्टि से हम मिले थे, वहां पे प्रशासन से मिले थे, तो वहां के रजिस्ट्रार हैं उनसे मुलाकात हुई थी राघव जी, उन्होंने बताया कि हाँ इस तरह की चीजें हुई थी, आगे हम ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो घटनाएं हो रही है ये बड़ी निंदनीय है और जो मुस्लिम समुदाय के वहां पे एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस तरह की सोच और इस तरह की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और हमने उन्हें बताया है, उनको अवगत कराया है कि इस तरह से अगर दोबारा होता है तो हम हिंदू धर्म के अंदर हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है, पर्व होता है, मंदिर होते हैं, तो हमारे भी फिर 7 दिन निश्चित हैं, वो तैयारी कर लें या तो उसको इस तरह की चीजें दोबारा ना करें। शेखावत साहब, अमूमन हम देखते हैं कि धार्मिक स्थलों में हिजाब का मुद्दा गरमाया था, गुरुग्राम में नमाज का मुद्दा गरमाया और एक बार फिर कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर इसको हवा देने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन आ रहे हैं तो इसको लेकर? देखो अगर इस तरह की राजनीति करते हैं तो ये बड़ी गलत है, निंदनीय है, चाहे वो नमाज का प्रकरण हो, रास्ते रोक के नमाज पढ़ना किसी धर्म में किसी समुदाय में ये चीजें उचित नहीं है। व्यवस्थाओं को खराब करना, रोडों को जाम करना, ये व्यवस्था और माहौल को खराब करने कुछ। अब उसमें विश्व हिंदू परिषद क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कल आप लोग गए थे, वहां क्या कुछ जानकारी मिली और आगे क्या कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद कर रहा है? देखिए उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से कि इस तरह की चीजों पे हम ध्यान देंगे और उन्होंने हायर लेवल पे अपनी मैनेजमेंट से बात भी करी है इस चीजें पे और उनको कहा है कि हम इस तरह पूरा संज्ञान लेंगे और आगे इस तरह की चीजें नहीं होंगे, इस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया है और नहीं होने देंगे। तो बाकी अगर फिर भी अगर होती है तो जो वहां पे जो छात्र थे हम उनसे भी मिलेंगे और मंगलवार का समय तय किया है, हमने उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और जो भी होगा वहां उनकी कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल नहीं होंगे।
बिल्कुल जागृति आपने सुना विश्व हिंदू परिषद के हैं और जिला मंत्री है और इन्होंने साफ कर दिया, कल इनकी टीम भी गई थी वहां पे और मुलाकात की उन छात्रों से जिन छात्रों ने विरोध किया था और साथ ही मैनेजमेंट के जो रजिस्ट्रार हैं उनसे भी इन्होंने मुलाकात किया था और मुलाकात के बाद मंगलवार का समय तय हुआ है, वहां मुलाकात होगी और प्रबंधन से जानकारी ली जाएगी कि आखिर एक शिक्षण संस्थान में किस तरह से नमाज या धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।